बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप द स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट टुडे। इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। आई ड्रू टू ग्रेट मॉडल्स फॉर यू। वन वाज अबाउट द लीडरशिप कंटीजेंसी मॉडल एंड द सेकंड वन वाज द लीडरशिप कंटिन्यूम मॉडल, राइट? सो वी डिस्कस्ड several things about the which leadership styles are most appropriate for which type of situation. So we actually discussed several 6 to 7 ideas about different types of leadership styles, situations the power structures the environment ke factors the employee ka cooperation tha, then deciding about which type of लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉज, और ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आई मीन वी डिस्कस्ड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट मी शो यू द ओवरव्यू। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव। कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव में इफ यू रिमेंबर आई टॉक्ट अबाउट the latest trends which include the charismatic leader, symbolic leader, then transformational leader and transactional leadership. फिर हमने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज देखी थी, देन कंटीजेंसी लीडरशिप मॉडल देखा था, कंटिन्यूम मॉडल देखा था एंड नॉर्मेटिव लीडरशिप मॉडल देखा था। आज हमारा एक और मॉडल रह गया है, उसके बाद आई विल शो यू के हाउ यू कैन कंपेयर ऑल दीज लीडरशिप थ्योरीज इन वन गो। ठीक है, एक ही गो में आप इन सारी थ्योरीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मोटिवेशन का जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, मोटिवेशन के चैप्टर में सेम थिंग हैपेंड के उस पे आप को कंटेंट, प्रोसेस, थ्योरीज, ये सब थ्योरीज मैंने ऑल टुगेदर डिस्कस की थी। ठीक है, एक एक ही उसके एक के फैक्टर्स को दूसरे के फैक्टर्स के साथ डिस्कस किया था, एक के कंटेंट्स को दूसरे के साथ कंटेंट्स को साथ मैचअप किया था, क्योंकि मोटिवेशन का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि वो लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के साथ अटैच्ड होता है। सिमिलरली फॉर दिस लीडरशिप थ्योरीज आप देखेंगे कि चूंकि लीडरशिप का क्या मतलब है, एक इंसान एक ग्रुप को लीड कर रहा है विद इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, तो उसको सब चीजें देखनी है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस देखना है, पावर स्ट्रक्चर्स देखने हैं, वो किस सीट पर बैठा है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, उसको कितने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप्स की जरूरत है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयज कितनी उसकी बात मानते हैं, ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन टूगेदर एंड डिवेलप आवर लीडरशिप मॉडल। तो इसीलिए जरूरत है कि इन सब चीजों को, इन सब थ्योरीज को एक एंगल से देखने की, ताकि आपका पर्सपेक्टिव इसमें अंडरस्टैंडिंग का बेहतर हो सके। तो आई विल ड्रॉ दैट मॉडल फॉर यू। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या रह गया। सब्स्टिट्यूट्स थ्योरी मैंने आपको बोला था, एक थ्योरी रह गई कि अब लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स थ्योरी वो होती है कि यू हैव सर्टेन सब्स्टिट्यूट्स फॉर लीडर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स फॉर लीडरशिप क्या होता है, यू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टास्क, यू हैव सबॉर्डिनेट्स और द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्लेस द नीड फॉर द लीडर। ये कुछ आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स के पास वो एबिलिटी, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, इंडिफरेंस टू रिवॉर्ड, सब कुछ है। तो अगर लीडर आपके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, या ही इज नॉट टेकिंग गुड डिसीजंस इन द पास्ट, या ही हैज बीन डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी या टू मच जहां अप्रोप्रिएट नहीं है, या ही इज नॉट बीन अकम्पलिशिंग हिज ऑब्जेक्टिव, तो यू हैव द सब्स्टिट्यूट टू रिप्लेस द लीडर। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करें, या उस एक सबॉर्डिनेट आपको लीडर से बेहतर लगता है देखने में, तो यू विल गिव अ रिप्लेसमेंट। सो बेस्ड ऑन सबॉर्डिनेट्स दीज एबिलिटीज यू कैन स्विच द लीडर फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट। देन टास्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क है, फॉर एग्जाम्पल क्लैरिटी इन रूटीन है, मेथोडोलॉजी है, फीडबैक है, इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन है। अब यह है कि सब चीजें इतनी ज्यादा आपके पास हैं, टास्क इज सो रेपिटेटिव दैट नो स्पेसिफिक लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। आपको नहीं जरूरत कि आपको बहुत मोटिवेशनल या बहुत ही कंपेटिटिव लीडरशिप आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लानी है, आपका टास्क इज क्वाइट डिफाइंड, एम्प्लॉयज कैन डू इट। तो आपको अगर लीडरशिप की बेस पर पोजीशन वेकेंट करनी है तो यू कैन डू इट।
ठीक है, मेथोडोलॉजी इज वेल डिफाइंड, फीडबैक इज अंडरस्टूड, इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन इम्प्लॉयज की आपको पता है, तो यू डोंट नीड टू हैव अ प्रॉपर, आपको इसमें कहेंगे कि मुझे इसमें कैरिज्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की जरूरत है, नो. तो बेस्ड ऑन द टास्क रेपिटेशन डेफिनेशन और कितना इसकी अंडरस्टैंडिंग है एम्प्लॉयज के दरमियान, आप इसके टास्क को लीडरशिप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. फाइनली इज द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सपोर्ट है, कोहेसिवनेस है, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सो कोऑपरेटिव विद यू, अदर डिपार्टमेंट्स टेल यू या वहां के मेंबर्स आपको सिखा देते हैं कि दिस वर्क शुड बी डन इन दैट मैनर. फॉर्मलाइजेशन है कि एक फॉर्मलाइजेशन होती है कि लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सो फॉर्मल कि यू रियली डोंट नीड एन इमीडिएट लीडर, जो ऊपर से फ्लोट हुई हुई है वो ही आपको फॉलो करनी है. तो उसमें लीडरशिप का होना ना होना डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. फॉर्मलाइजेशन है, हाई स्ट्रक्चराइजेशन है, तो जस्ट फॉलो द नॉर्म्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि अगर आपको ये काम सूट नहीं कर रहा तो आप दूसरे मोड पर स्विच कर सकते हैं. यू हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर कलीग्स, यू हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. कोहेसिवनेस है, कोहेसिवनेस ये होती है कि आपके सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के कामों को समझते हैं और सपोर्ट देते हैं. तो देन ऑर्गेनाइजेशन के जो ये रूल्स हैं या ये स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके लीडरशिप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दे हैव द पोटेंशियल. ठीक है, थोड़ी सी लीडरशिप के अगेंस्ट ये थ्योरी काम करती है बट स्टिल इट हैज इट्स वैलिडिटी. अब मैं आपको टू डायमेंशनल लीडरशिप स्टाइल्स को ड्रॉ करके शो करती हूँ कि हाउ यू कैन कंपेयर ऑल द थ्योरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. प्लीज अपने प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा नॉलेज को ताजा कीजिए और फिर मेरे साथ रहिए इसको ड्रॉ करने में ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम किसमें किस चीज की बात कर रहे हैं. राइट, इसमें हमें एक थोड़ी सी टेक्निकल फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि हम सब चीजों को इकट्ठा एक दूसरे के साथ समझ पाए. ठीक है, इस साइड पर मैं थ्योरीज डिस्क्राइब करूंगी, यहां तक नीचे तक ले जाते हैं इसको. ऑब्वियसली मैं ये थ्योरी देख कर ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि हम इसको जब एक गो में देखते हैं तो हमको समझ नहीं आता. स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको ड्रॉ करके इनके लिंकेजेस आइडेंटिफाई करूँगी तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेटर मैनर. ठीक है, तो यहाँ हम टू डायमेंशनल इसका लीडरशिप स्टाइल से ही. ओके, अब पहला देख लेते हैं. नंबर वन इज द थ्री स्टाइल्स हैं. एक ट्रेट लीडरशिप है जो शिप है, ठीक है. नंबर टू है बिहेवियरल लीडरशिप. ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स हैं, हम देख लेते हैं. स्टाइल्स टू डायमेंशनल, एक है, मैं ये बुलेट्स डाल देती हूँ, टू डायमेंशनल. I try to make my writing a little bit better. Two-dimensional leadership, ठीक है, और leadership grid है. अब आपको leadership grid याद होना चाहिए. Okay, then इसमें
कौन सी एक बिल्कुल अलग सी कैरिज्मेटिक, देन इज दी ट्रांसफॉर्मेशनल, ये जो शुरू की ट्रेड लीडर्स थी, ट्रांसफॉर्मेशनल, देन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल एंड सिंबॉलिक, ठीक है, ओके, देन इज द सिचुएशनल, थर्ड टाइप है आपकी सिचुएशनल, और उसमें कौन सी है अब सिचुएशनल लीडरशिप, उसमें अब कंटिंजेंसी जो हमने ड्रॉ की थी, कंटिंजेंसी मॉडल है आपका एक, दूसरा है इसको बुलेट दे देते हैं हम, कंटिन्यूम है लीडरशिप का, शिप कंटिन्यूम, सॉरी, एंड पाथ कोल, ठीक, ये आ गई, एंड देन नॉर्मेटिव लीडरशिप है आपकी, कुछ रह गई है हमारी ये दूसरी वाली, नॉर्मेटिव है जिसमें सिचुएशनल है, आई टोल्ड यू कि जगह कम हो जाएगी हमारे पास, सिचुएशनल लीडरशिप है और मैनेजमेंट है, ठीक है, सिचुएशनल लीडरशिप एंड सिचुएशनल मैनेजमेंट, एंड लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स लास्ट वन जो हमने आज पढ़ी है, लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ये लास्ट हमने आज पढ़ी है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें यहां देखिए ये है एच बी और एल एस, इसके हिसाब से भी हमको देखना है कि इसमें पहले ओके ये नीचे तक मैं ड्रॉ करती हूँ, वन फोर ड्रॉ करने, वन टू थ्री फोर, राइट, इस सब में एच डी, अब एच डी इज हाई, एच इज फॉर हाई, ठीक है, एच इज फॉर हाई, एल इज फॉर लो, डी इज फॉर डायरेक्शनल एंड एस इज फॉर सपोर्टिव, एस इज सपोर्टिव, ये चार है, तो ये है इसमें, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये एच डी एच एस है, हाई सपोर्ट है, हाई डायरेक्शनल है, एल डी एच एस और एल डी एल एस, ये हम देखें हाई डायरेक्शनल लो सपोर्ट, हाई डायरेक्शनल हाई सपोर्ट, लो डायरेक्शनल हाई सपोर्ट, लो डायरेक्शनल लो सपोर्ट, तो अब आप उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है, बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स में, बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ से हो रहे हैं स्टार्ट, तो यहाँ से अगर आप देखें डेमोक्रेटिक है, ठीक है, बेसिक लीडरशिप स्टाइल दो तक है, दिस इज डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है, दोनों का डेमोक्रेटिक स्टाइल है, बेसिक लीडरशिप स्टाइल, अब इन पर ये हाई डायरेक्शनल लो डायरेक्शनल अप्लाई नहीं हो रही है, ट्रेड लीडर्स जो आपने पढ़े थे ना अगर आपको याद हो, ऑटोक्रेटिक देन डेमोक्रेटिक एंड देन लेजिस्फेयर, उस पर ये हाई लो नहीं अप्लाई हो रही, दीज आर जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इस पर तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसको हम इसी तरह लेकर चलते हैं।
ओके लेकिन जहाँ बेसिक के बाद ये अब स्टार्ट हो जाता है सारा, तो इसमें अगर आप ये देखें तो डेमोक्रेटिक दोनों में है, यहाँ ये ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, ठीक है। और क्वाड्रेंट ए इसका टू डायमेंशनल का जो आपको याद हो, तो क्वाड्रेंट ए बैठता है इसमें, सेलिंग टेलिंग वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और लीडरशिप ग्रिड में जो 9-1 था, आपको अगर याद हो, मैं आपको याद कराती हूँ, अथॉरिटी वो थी 9-1, प्रोडक्शन एंड कंसिडरेशन, रिमेम्बर दैट। तो 9 इज के यू हैव हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड यू हैव लो कंसर्न फॉर पीपल, वेरी लो कंसर्न, तो वो अथॉरिटी का स्ट्रक्चर होता था। तो यहाँ आपका हुआ क्योंकि हाई डायरेक्शनर है और लो लेस सपोर्टिव है ये, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज का कंसिडरेशन इसमें नहीं है। तो ये सारे लीडरशिप स्टाइल्स इस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। और इसमें देखिए अब ये क्वाड्रेंट ए क्वाड्रेंट बी मोर लेस अगर आप याद करें, बात वही हो रही है, हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन, ओहायो स्टेट और मिशिगन के जो फंक्शंस थे, हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन, तो क्वाड्रेंट ए वॉज द हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, तो इसीलिए क्वाड्रेंट ए डिस्क्राइब किया गया इधर, ठीक है। आप अगर फर्दर जाके इसको पीछे दोबारा स्टडी करेंगे तो छोटा नाम यूज किया गया है क्वाड्रेंट ए, तो इट मीन्स के हाई कंसिडरेशन फॉर हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से हाई डायरेक्शनल हाई स्ट्रक्चर हाई सपोर्टिव आएगा तो हाई डायरेक्शनल मीन्स के अथॉरिटी ज्यादा है, स्ट्रक्चर ज्यादा है, लो कंसिडरेशन फॉर द एंड सॉरी हाई कंसिडरेशन फॉर द एम्प्लॉइज भी है, तो दैट इज वाई क्वाड्रेंट बी यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके देन थर्ड में क्वाड्रेंट सी चला जाएगा। अभी आप देखेंगे कि सब थ्योरीज के अंदर इतना मैच है, इतने क्लोजली लिंक्ड अप है कि आप लाइसिस क्वाड्रेंट डी एंड दिस इज लाइक 9-9, इसका नाम क्या था, टीम्स टीम लीडरशिप, ठीक है। रिमेम्बर कि इसमें आपका हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल था, एंड टीम मॉडरेट, यहां सिर्फ अब मैं ये डिसाइड कर दिया, मॉडरेट भी यही डिसाइड हुआ है, मिडिल रोड, और यहां अगर आप देखें तो ऑब्वियसली 1-9 कंट्री क्लब, एंड इधर से 1-1 इम्प्रो इम्पावरिश्ड इम्पावरिश्ड, ठीक है। इन सब चीजों का आप इसमें कितना क्लोजली लिंक्ड अप है, कैरिज्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसैक्शनल और सिंबॉलिक लीडरशिप्स पर ये चीजें फिट नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लीडर्स के अंदर होती हैं। इन पर सिचुएशंस का, लीडर्स का, एम्प्लॉइज का, स्ट्रक्चर्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, रिमेम्बर दैट, दैट इज वाई इसके ऊपर ये चीजें इतनी इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो हम यहां इनके लिए क्रॉस लगा देते हैं कि इनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती, बट दे आर स्टिल बींग डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, जस्ट टू शो यू के हाउ मेनी लीडरशिप थ्योरीज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। अब आइए जी सिचुएशनल लीडरशिप पर। सिचुएशनल लीडरशिप की जब आप बात करते हैं तो एक टास्क है और एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें सिचुएशनल लीडरशिप में कंटिंजेंसी लीडरशिप जो है, कंटिंजेंसी लीडरशिप, वहां से अगर आप एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करें पूरा, राइट, तो कंटिंजेंसी आपको याद है, अगर हाउ मच रिलेशनशिप्स अच्छे आपके बुरे हैं, पुअर गुड रिलेशंस, देन हाउ मच पावर डू यू हैव,
then how much repetitive and non-repetitive tasks are. Based on that you choose either task or either to build the relationships. ठीक है, तो इस हिसाब से जब इन दो क्वाड्रेंट्स की आप बात करेंगे तो टास्क इन दोनों पर आ जाएगा. मैं इन दोनों पर मिला के लिख रही हूँ, ये टास्क यहाँ आएगा और रिलेशनशिप यहाँ आएगा, इस तरह रिलेशनशिप. ठीक है, ये दोनों को कवर कर रहा है क्योंकि टास्क है और यहाँ हाई डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है और लो सपोर्टिव, लेस सपोर्टिव, तो डेफिनेटली टास्क को ज्यादा जरूरत है. रिलेशनशिप आपका यहाँ रिलेशनशिप जरूरत है, लेस डायरेक्शनल, तो इसलिए इसका रिलेशनशिप का कम हो जाएगा. ओके, अब आप देखिए इस पे अगर आप लीडरशिप का कंटिन्यूम डिस्कस करते हैं तो कंटिन्यूम में आपको अगर याद हो नंबर वन, टू एंड थ्री, मैं अब इसको डिस्क्राइब करती हूँ आपके साथ, फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, सिंपल एक कंटिन्यूम था. अगर आपको याद हो कि कितना ऑटोक्रेटिक एक लीडर है और कितना वो पार्टिसिपेटिक, याद है ना, वो एक स्लंटिंग सी लाइन थी बीच में, स्लोप सी थी, और कंटिन्यूम आपका ऑटोक्रेटिक से आहिस्ता आहिस्ता कम होता 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 पार्टिसिपेटिव की तरफ बढ़ता है, और जब आप एंड पर पहुंचते तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड, तो वन से सेवन तक था. तो उस पर ये इन्होंने डिस्क्राइब किए कि पहले में टोटल ऑटोक्रेट है, सारे डिसीजन आप खुद बना रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं. तो नंबर वन, देन लिटिल बिट ऑफ यू आर टेलिंग एट लीस्ट एम्प्लॉयज, देन यू टेल देम एंड आस्क क्वेश्चंस, द टू थ्री यहाँ हो गए, फोर में यू टेल देम एंड यू ask for their suggestions as well. Questions और suggestions में फर्क होता है. Then five में आप उनके suggestions को कि base पर अपने decision change भी कर देते हैं. Six में आप उनके suggestions लेकर उनसे पूछते हैं और उन्हीं की base पर अपने decision बनाते हैं. Seventh पर you make tell them to make their own decisions. Complete आप उनको supportive दे रहे हैं. तो leadership continuum में numbers के हिसाब से उन्होंने description दी. Path goal में अगर आपको याद हो तो चार स्टाइल्स थे, मैं यहां लिख देती हूं, डायरेक्टिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एंड फाइनली इज दी सपोर्टिव. ठीक है, और यहां पार्टिसिपेटिव. पार्टिसिपेटिव ठीक, और नॉर्मेटिव में अगर देखा जाए तो नॉर्मेटिव ए आई ए वन एंड ए टू. ठीक है, ये बीच में मुझे एक लाइन खींचने की जरूरत है, यहां से यहां तक. ये अगर आप देखें तो सी वन एंड सी टू. नॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल में भी अगर आपको याद हो तो देयर वाज अ ग्रुप जो एक ए बी सी डी के कोऑर्डिनेटर के साथ बनाया गया था और उस हिसाब से आपके चार स्टाइल्स डिस्क्राइब किए गए थे, तो नॉर्मेटिव को भी आप उसी हिसाब से इसके सपोर्ट और डायरेक्शनल के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं. फिर आपका सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल था जिसमें टेलिंग, ठीक है, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, और फाइनली इज द डेलीगेटिंग शामिल है. दिस इज द होल समरी ऑफ द चैप्टर. और सिचुएशनल मैनेजमेंट में अगर आपको याद हो तो ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, एंड फाइनली इज द एम्पावरमेंट. ठीक है, और लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स में ऑब्वियसली इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा. सब्स्टिट्यूट्स मीन्स के यू हैव द सबॉर्डिनेट्स, अगर आपको याद हो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, टास्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप. तो क्रॉस आउट कर दीजिए इनको. This is the overall summary of the whole chapter. अगर आपको ये समझ आ जाती है स्लाइड तो मीन्स कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया.
ठीक है, इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ दिस माई हैंड, काफी आपको नोक पलक का ध्यान रखना पड़ता है, बट आई स्टिल ट्राइड. एक तो नॉलेज आपका रिफ्रेश होता है. आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एकदम हैंड ड्रॉ करें, देख कर ड्रॉ करें, डजेंट मैटर. लेकिन वेन यू आर ड्रॉइंग इट, तो प्लीज जहन पे रखिए कि आपको समझना है कि वाई यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेंट ए हेयर, वाई यू आर राइटिंग कंट्री क्लब हेयर, वाई द डेमोक्रेटिक इज लाइंग ओवर हेयर, एंड वाई 4-5, वाई 6-7 हेयर, वाई सपोर्टिव हेयर, वाई टेलिंग हेयर. आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज यहां क्यों ड्रॉ करें, और देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजें इसमें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं. लीडरशिप में एक ऑटोक्रेसी फॉर एग्जांपल या अथॉरिटी, ये देखिए पहला ऑटोक्रेट क्वाड्रेंट ए, ऑटोक्रेट अथॉरिटी, ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इन चीजों को जो चीज पीछे से इन्फ्लुएंस करती है वो डिफरेंट है. आप ये कहेंगे ना कि ऑटोक्रेसी और टास्क ओरिएंटेशन डायरेक्टिव टेलिंग ऑटोक्रेसी सब सेम है, तो बार बार क्यों इनको एक दूसरे नाम से याद किया जा रहा है? इसलिए कि ट्रेट लीडरशिप इज डिफरेंट, बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स आर डिफरेंट, और डायमेंशन जब आप आइडेंटिफाई करते हैं वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डायमेंशन को डिफरेंट चीजें अफेक्ट करती हैं. अभी हमने देखा कि बहुत सारी चीजों में प्रोडक्शन ओरिएंट प्रोडक्शन शामिल है, देन कंसल्टेशन शामिल है, देन रिलेशनशिप शामिल है, देन पावर शामिल है, देन रिसोर्सेज शामिल है, देन स्ट्रक्चर शामिल है. तो हर लीडरशिप थ्योरी डिफरेंट चीजों को जहन में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन एट द एंड ये जो ऑथर्स ने आपके सामने इनका कोरिलेशन डिस्क्राइब किया, इट मींस के हर लीडरशिप के दो मेजर डिटरमिनेंट्स होते हैं, एक उसका ऑटोक्रेसी का लेवल और एक उसका एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन का लेवल. इनके ऊपर बेस करते हुए बहुत सारी लीडरशिप थ्योरीज बहुत कुछ एक्सप्लेन करती हैं. ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्रस्ट मी यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन वेन यू रीड दैट इन डिटेल यू वुड रियली एंजॉय दैट चैप्टर, राइट? सो आई मस्ट से के हमारा ये चैप्टर इसके साथ तो खत्म हो जाता है, और अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स थे, ट्राई टू अडॉप्ट गुड लीडरशिप स्टाइल्स इन योर लाइफ, ट्राई टू बी नाइस लीडर्स, ट्राई टू बी एटलीस्ट ऑनेस्ट लीडर्स. ऑनेस्ट बनिए काम के साथ, लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी जॉब के साथ. ऑनेस्ट होंगे तो डेफिनेटली काम आसान हो जाएगा आपके लिए सारा. तो लीडरशिप स्टाइल्स को सीखिए, ना सिर्फ उनको बल्कि अप्लाई करें अपनी लाइफ में. ठीक है, ओके. एक अब इसमें एम्प्लॉय का कंप्लेंट मॉडल देखिए कि बिकॉज यू आर अ लीडर तो एम्प्लॉयज हैव द टेंडेंसी टू कंप्लेन, टू मेक कंप्लेंट्स टू यू. तो इसमें आपको क्या, ये जस्ट द प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड, मैं इसको रीड आउट करूंगी. लिसन टू द कंप्लेंट एंड पैराफ्रेज इट. नंबर टू, हैव कंप्लेनर रिकमेंड अ सॉल्यूशन. उनसे पूछिए कि उनके पास कोई इस चीज का सॉल्यूशन है तो वो आपको सजेस्ट करें. स्केड्यूल टाइम टू गेट ऑल द फैक्ट्स और मेक द डिसीजन. ठीक है, उनके साथ एक सारा फैक्ट्स को डिस्क्राइब करें, देन डिवेलप अ प्लान. अब आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो, उसको फॉलो अप कीजिए. ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट मॉडल मोर लेस सिमिलर है, लेकिन एम्प्लॉय और कस्टमर में फर्क होता है. कस्टमर में यू एडमिट द मिस्टेक एंड प्लीज मेक एन अपॉलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मानना है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग, सो एडमिट द मिस्टेक एंड टेल देम दैट यू आर सॉरी फॉर दैट. अग्री ऑन अ सॉल्यूशन, हैव द कस्टमर रिकमेंड सॉल्यूशन. आप उनसे पूछिए, कस्टमर से पूछिए कि आपके नजदीक एक चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है. कस्टमर आपको सॉल्यूशन बताता है, देन इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन क्विकली. क्विकली इसको फॉलो अप कीजिए एंड प्रिवेंट द फ्यूचर कंप्लेंट्स. आगे की फ्यूचर की कंप्लेंट्स को होने से प्लीज बचाइए. ठीक है, ये आपका कंप्लेंट का मॉडल है. ओके, सो विद दिस हमारा लीडरशिप का चैप्टर अब खत्म होता है. अगेन, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड देम इन अ मच बेटर वे. सो आई एम मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. टेक अ डीप ब्रेथ सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर. ठीक है, विद द न्यू माइंड, विद द न्यू आइडियाज. एक मिनट के लिए पीछे जाइए, पहले या दूसरे लेक्चर पे. याद कीजिए कि हमने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी, और अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको याद कराती हूँ. हमने चार फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के.
प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये चार हमने चैप्टर्स डायमेंशंस या फंक्शंस पढ़े थे. और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, और मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम हर लेक्चर में ये बताती हूँ कि ये वाला चैप्टर अब आपका उस फेज के अंदर डिस्कस हो रहा है. ये जो हमने लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ी हैं, ये लीडिंग के सेक्शन के अंदर था. मोटिवेशन की जो थ्योरी पढ़ी है, ये हमारा लीडिंग के सेक्शन के अंदर था. हमने पीछे ऑर्गेनाइजिंग की भी पढ़ी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट से थे. प्लानिंग में हमने पढ़ा, जिसमें सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थी. थर्ड फेज हमारा लीडिंग से रिलेटेड था, जिसमें हमने लीडरशिप के बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स को देखा. फाइनल हमारा एक रह गया सेक्शन, जिसको कंट्रोलिंग सेक्शन बोलते हैं. कंट्रोल सेक्शन के अंदर हम दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक है फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कंट्रोल्स और दूसरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ठीक है, इसके साथ हमारा फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ऑन अ हैप्पी नोट. ठीक, तो हम कंट्रोल सिस्टम्स को आज स्टार्ट करेंगे. कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफली स्टार्ट में बताया था कि कंट्रोल होता है कि यू एक्चुअली कंट्रोल द रेगुलर फ्लो ऑफ द प्रोसेसेस, द रेगुलर फ्लो ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, द रेगुलर फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. यू कंट्रोल द रिसोर्स फ्लोटिंग, किस तरह से आपको जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे वो आप उनके ऊपर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, आप पीरियोडिकली उनके फीडबैक लेते हैं. ये पीरियोडिक फीडबैक या वन टाइम फीडबैक डिटरमिन्स के आपका चलता हुआ प्रोसेस आपके कंट्रोल में है. अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो लेट इट गो, अगर वह सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो गिव अ पॉज, रोकिए, उसको चेंज कीजिए, उसको रीप्लान कीजिए, उसको रीऑर्गेनाइज करें, रीलीड करें, एंड देन रीकंट्रोल इट. दोबारा देखिए, अगेन अगर वह सही जा रहा है तो देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन, अगर वह सही नहीं जा रहा तो अगेन गिव अ पॉज, अगेन प्लान. तो कंट्रोल आपको ये कहता है कि जितनी दफा आपके मिस्टेक्स आते हैं उनको स्टॉप कीजिए और दोबारा से उनको वापस जाके प्लान करके नए सिरे से उनको स्टार्ट करें. ठीक है, तो ये कंट्रोल के प्रोसीजर्स होते हैं. इस चैप्टर में फोर स्टेजेस ऑफ द सिस्टम प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंट्रोल यूज्ड एज ईच स्टेज. देन यू डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट फीडबैक प्रोसेस अमंग द फंक्शनल एरियाज एंड द डिपार्टमेंट्स. Then you list the four steps in the control systems process and you describe the differences among the three control frequencies. Then capital expenditures budget is different from the expense budget. Ye aap batayenge. Theek hai, ye kuch cash flows ki differentiations hai. Then three primary financial statements and what is presented in each of them. Ye aap batayenge. Then you explain the importance of positive motivational feedback in coaching. कोचिंग ह्यूमन अब आपका कंट्रोल यहां स्टार्ट होगा. देन यू एक्सप्लेन द मैनेजर्स रोल इन काउंसलिंग एंड द रोल ऑफ द एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम स्टाफ, यहां आप बताएंगे. फाइनली आप देखेंगे कि हाउ टू मेजर द प्रोडक्टिविटी एंड यू लिस्ट थ्री वेज टू इंक्रीज इट. ठीक है, की टर्म्स जो इसमें बहुत ज्यादा आपको नजर आने वाली है वो है कंट्रोलिंग, प्रिलिमिनरी कंट्रोल है, कॉन्करेंट कंट्रोल है, रीवर्क है, डैमेज है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी है, मैनेजमेंट ऑडिट्स हैं, बजटिंग है, ऑपरेटिंग बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कोचिंग है, मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड है, एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स है, डिसिप्लिन है, प्रोडक्टिविटी है. ये सब चीज़ें आपको सुनने में आएंगी जब हम इस चैप्टर में डिस्कशंस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ओके, पहले बेसिक डेफिनेशंस पे देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स कंट्रोल्स क्या होते हैं. कंट्रोलिंग होती है प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं, आप उसका बीच में स्टॉप होकर पीछे जाके देखते हैं, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मेरी जो आउटपुट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, मुझे उसको चेंज करना है, मुझे आगे चलना है या पीछे दोबारा वापस जाना है. कंट्रोल सिर्फ आपको ये चेक करता है, एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. प्राइमरी कंट्रोल्स या प्रिलिमिनरी कंट्रोल्स होते हैं, कि आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स भी इसको बोला जाता है.
Controls that are designed to anticipate and prevent the possible problems. Prevent. Prevent के लफ्ज़ पर गौर कीजिए. Anticipate करते हैं कि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आप जब एक प्रॉब्लम को आप एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको वक्त से पहले कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं. ये आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ें आगे आएंगी और मुझे उनको चेंज करना है. प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के साथ आप अपने आप को तैयार रखते हैं. यू प्लान एंड ऑर्गेनाइज. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल फंक्शंस. व्हेन यू प्लान एंड व्हेन यू कंट्रोल एंड व्हेन यू ऑर्गेनाइज थिंग्स कि कौन कौन सा काम करेगा, उसको कितना पैसा देना है, किसकी जिम्मेदारी पर ये काम होगा, तो यू हैव लॉट्स ऑफ अथॉरिटी इन कंट्रोलिंग दोज डिसीजंस. तो अपने फंक्शंस को स्टैंडिंग प्लान्स एंड कंटिजेंसी प्लान्स के साथ सपोर्ट कीजिए. स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो आपके रेगुलर प्लान्स होते हैं, जो आपकी रोजमर्रा की ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में यूज होते हैं. रेपिटेटिव प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल आफ्टर एवरी वीक आपको जरूरत पड़ सकते हैं, मे बी डेली बेसिस पर भी आपको यूज हो सकते हैं. दे आर द स्टैंडिंग प्लान्स. इसके बरक्स कंटिजेंसी प्लान्स वो होते हैं जो आपको किसी मुसीबत के वक्त पे काम आते हैं. जब आपके कुछ अनसर्टन या सडन सिचुएशंस आ जाती हैं, उस पर रेडीमेड प्लान इज नॉट अवेलेबल, बट यू हैड एन एंटिसिपेशन के ऐसा हो सकता है, तो आपने वो प्लान पहले से तैयार किया. बैकअप्स आप रखते हैं ना चीज़ों के, तो वो कंटिजेंसीज होती हैं आपकी, कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं आपके, जो आपको एट द स्पॉट आपके ट्रैक से हटने नहीं देते, आपको ट्रैक पर ही रखते हैं. दे आर द कंटिजेंसी प्लान्स एंड इट इज वेरी वाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू डिवेलप द प्रॉपर कंटिजेंसी प्लान्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स देखिए. कॉन्करेंट कंट्रोल्स हैं, रीवर्क, डैमेज एंड फीडबैक. कॉन्करेंट कंट्रोल्स वो होते हैं कि एक्शन टेकन एज इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स टू एंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स आर मेट. एक्शन टेकन एज इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आपका सिस्टम्स थ्योरी. अभी हम थोड़ा सा डिटेल सिस्टम्स थ्योरी को थोड़ी देर में देखेंगे. आप ये कहते हैं कि आपके इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स एज इट वाज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग. इनपुट्स का आउटपुट्स में कन्वर्ट होना थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इट वाज प्लान्ड अर्लियर. सिचुएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो रहे हैं. ठीक है, रीवर्क कंट्रोल्स वो होते हैं एक्शन टेकन टू फिक्स एन आउटपुट. अगर आपके कंट्रोल के मुताबिक आपकी प्रोडक्शन जारी है तो दैट इज इन कॉन्करेंट कंट्रोल. ठीक है, कोई मैकेनिज्म है, कोई आपने फॉर एग्जांपल सायरन लगा देते हैं, कोई लाइट चली जाएगी तो कोई चीज पॉप अप करना शुरू हो जाएगी, दैट इज द कॉन्करेंट कंट्रोल. ठीक है, वो सिस्टम से हट गई, प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी तो वो सायरन बोलना शुरू हो गया आपका. रीवर्क कंट्रोल होता है अब आप उसको रोकेंगे और उसको फिक्स करेंगे, चेंज करेंगे, जितना आपका डैमेज हुआ उसको दुरुस्त करेंगे. दैट इज द रीवर्क कंट्रोल. डैमेज कंट्रोल एक्शन टेकन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड शेयरहोल्डर्स ड्यू टू द फॉल्टी आउटपुट्स. अब आप क्या करें डैमेज कंट्रोल्स को, क्या करेंगे कि चीज तबाह हो चुकी है उसको फिक्स करेंगे सो दैट कस्टमर्स एंड द फाइनल स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स आपके, उनके ऊपर आपकी गलत आउटपुट का कोई भी खबर ना पहुंचे, कोई भी उन तक ये रिस्क ना पहुंचे कि आपके पीछे जो चीज बनी थी वो खराब हुई थी, उस पर रीवर्क हुआ था, उसका डैमेज हुआ था, तो आपने दोबारा उसको किया. इसको मिनिमाइज करते हुए आप उस एक्शन को दुरुस्त करते हैं. फीडबैक इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटपुट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द स्टेक होल्डर. अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं आउटपुट्स की कस्टमर से और अपने स्टेक होल्डर से कि आपकी फीड प्रोडक्ट कैसे बन रही है और उसको कैसे जाना चाहिए. अगर आप पॉजिटिव मिलती है तो यू कंटिन्यू विद दैट, अगर नेगेटिव फीडबैक मिलती है तो अगेन यू गो बैक टूवर्ड्स द रीवर्क या डैमेज कंट्रोल. ये चार टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, identify the type of control. The new shirt I bought today has a button missing. आज जो आपको शर्ट मिली वो बटन नहीं था उस पर, तो दिस इज डैमेज कंट्रोल. दैट्स करेक्ट, यू राइट इट डाउन. डैमेज का कंट्रोल है. डैमेज और रीवर्क, लेट मी सी. Rework action taken to fix an output or damage is the action taken to minimize the negative effects on the customers. ठीक है, अब आपका
डैमेज है ये। आई जस्ट गॉट माई मंथली बजट रिपोर्ट टेलिंग मी हाउ मच आई स्पेंड इन माई बैलेंस। मेरी मंथली की बजट रिपोर्ट मुझे ये बता रही है कि हाउ मच आई हैव स्पेंट और कितना बैलेंस अब मेरे पास रहता है। तो दिस इज जस्ट दी कॉन्करेंट। द कोच इज रिव्यूइंग द प्लेस टू बी यूज ड्यूरिंग द बिग गेम ऑन संडे। कोच वो प्लेस को देख रहा है जो बिग गेम जब होगी संडे को तो उसके दरमियान प्ले किए जाएंगे। तो दिस इज जस्ट दी रिव्यूइंग द प्लेस टू बी यूज्ड। प्रिलिमिनरी एज आई वॉज स्कूपिंग द आइसक्रीम द कोन स्प्लिट डाउन द साइड। स्कूप जब आप कर रहे थे आइसक्रीम को तो आपका कोन साइड से स्प्लिट कर गया। दिस इज डैमेज। द मैनेजर इज यूजिंग द टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑन फ्राइडे। टाइम मैनेज कर रहे हैं उसको। कॉन्करेंट। आई वॉज स्कूपिंग द आइसक्रीम तो कोन स्प्लिट कर गई। रीवर्क। Probably this is the rework. क्योंकि अब आपको इसको rework करके दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, यहां डैमेज में कस्टमर के पास पहुंच गई थी इसलिए डैमेज है। यहां स्कूपिंग दी आइसक्रीम आप अगर देख रहे हैं, आप प्रोवाइड करें किसी कस्टमर को, स्कूप करके दे रहे हैं तो कौन स्प्लिट हो गई, अब आपके पास रीवर्क का चांस है। तो दिस इज अ डिफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। डैमेज में आपका डैमेज हो गया, कस्टमर तक पहुंच गई चीज। रीवर्क में यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू रीमेक द थिंग सो दैट इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर इमेज। ओके, अब आप देखेंगे कि सिस्टम्स प्रोसेस विद द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। अगर आपको याद हो सिस्टम्स का जो प्रोसेस था, सिस्टम्स क्या था, आप सिस्टम थ्योरी हमने डिस्कस की थी एक प्रोबेबली स्ट्रेटजीज के फंक्शन में, स्ट्रेटजीज के चैप्टर में। आपको अगर याद हो सिस्टम्स प्रोसेस आपको ये बताता है कि इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। यू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स और उसके साथ आपका फीडबैक का मैकेनिज्म अटैच्ड होता है। देखने में तो सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन इस प्रोसेस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। ठीक है, इनपुट्स आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन होती है, आपकी फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट को। डिजाइनिंग होती है, R&D होती है, मार्केट फीडबैक होती है, देन एक्चुअली ऑपरेशंस होते हैं जो उसको कट करते हैं, मे बी स्टिच करते हैं, मे बी डाई करते हैं, मे बी ज्वाइंट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस हो रहा होता है उसका सारा। एंड देन फाइनल आउटपुट आपका जो निकलता है फाइनल प्रोडक्ट की शेप में अब आपके पास वो आता है। सो उसको लेट मी शो यू कि किस तरह से आप सिस्टम्स प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सिस्टम्स थ्योरी जो होती है वो इनपुट्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, और उससे आपका आउटपुट बनता है। ठीक है, और वहां से आपके पास कस्टमर या सप्लायर के पास पहुंचता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है आपके ऊपर। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन मैटर्स एज ए फीडबैक। ठीक, यहां पे आपका फीडबैक का कॉलम होता है। राइट, और
ये इसके साथ रिलेटेड होती है. फीडबैक एक्चुअली आपको यहाँ से जो मिलती है वो आप सब जगहों पर दोबारा भेजते हैं कि यहाँ कैसी थी, ये आपको भेजता है. आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप, कंट्रोल इसको बोलते हैं. अगर आप ये वाले एरोज निकाल दें, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, और सिर्फ यहाँ से फीडबैक रखें कि जनाब फाइनल कस्टमर का ये रिस्पॉन्स आया तो अब हम नेक्स्ट प्लान में ये करेंगे. नहीं, आपको फीडबैक या कंट्रोल मैकेनिज्म्स हर जगह लगाने पड़ते हैं. यहाँ के कंट्रोल प्रोसेसेस आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ का कंट्रोल स्टॉप करेंगे आप प्रोसेस, मे बी दोबारा इनपुट्स डालेंगे, मे बी रिफाइंड इनपुट्स डालेंगे, फिर आप दोबारा फीडबैक लेंगे, फिर आप आउटपुट्स पे भी देखेंगे. आउटपुट्स बनी हुई प्रोडक्ट्स भी आप दोबारा कंट्रोल मैकेनिज्म से गुजारते हैं, मे बी उनकी क्वालिटी इश्योरेंस होती है, मे बी उनका इंस्पेक्शन होता है, और फिर वो फाइनल कस्टमर के पास पहुँचते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फीडबैक का मैकेनिज्म सिर्फ एंड और प्रीवियस पहली स्टेज से जुड़ा हो, ये हर हर प्रोसेस पर आपके साथ होती है. अब अगर हम देखें कि हमने पिछले जो कुछ चार कंट्रोल के मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, मैं आपको शो करा देती हूँ, ये वाले कॉन्करेंट रीवर्क डैमेज फीडबैक, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं. ठीक है, इनपुट्स पर जो होते हैं जनरली आपके प्रिलिमिनरी कंट्रोल सिस्टम्स अटैच होते हैं. यहां मैं लिख देती हूँ, इस स्टेज पर जनरली प्रिलिमिनरी कंट्रोल सिस्टम होता है. ठीक है, इस दूसरी स्टेज पर अब आप कॉन्करेंट जो होता है बेहतर होता है, कॉन्करेंट कंट्रोल. ठीक है, थर्ड स्टेज पर अब आपका टू सम एक्सटेंट रीवर्क हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपका पहुंचा नहीं फाइनल कंज्यूमर्स के पास, और यहां से अब आपका एक्चुअली डैमेज हो गया. आपको याद है ना, मैंने आपको एक्सरसाइज में कहा था कि अगर टूटा हुआ बटन शर्ट का पहुंच गया कस्टमर तक तो दैट इज अ डैमेज कंट्रोल. लेकिन यहां आप अभी आउटपुट दे रहे हैं, कोन आइसक्रीम में कोन डाल रहे हैं, अभी अपने कस्टमर को दी नहीं, वो फट गई साइड से, आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, आप नई कोन लेकर उसको नहीं दे देंगे. यू हैव द टाइम टू रीवर्क. डैमेज कंट्रोल में आपका थोड़ा सा इमेज और आउटपुट जो होता है वो डैमेज्ड सिचुएशन में फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, तो उससे आपकी ऑब्वियसली फीडबैक बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है. थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज इम्पॉर्टेंट कि फीडबैक पहुंचती रहनी चाहिए. फीडबैक इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ फंक्शनल एरियाज इन सिस्टम्स प्रोसेस. हर जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो ये आपका सिस्टम्स प्रोसेस है विद द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, कि कौन सा टाइप का कंट्रोल किस जगह पर किस चीज के लिए जरूरी है. राइट, आगे मूव ऑन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स प्रोसेसेस फॉर द फंक्शनल कंट्रोल्स. आप ये बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में मे बी एचआर का डिपार्टमेंट है, मे बी फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मे बी अकाउंटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, R&D है, ये सब आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं. हर डिपार्टमेंट का अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है. एक तो ओवरऑल मैनेजमेंट है ना, जो मिडिल मैनेजमेंट या वाइस प्रेसिडेंट्स, दे डू नॉट लुक आफ्टर द प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन, उनके पास इतना टाइम नहीं होता. वो तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाली स्लाइड देखिए, अगर यहां से कस्टमर तक पहुंच गया और यहां कस्टमर के पास पहुंचा, नेगेटिव फीडबैक आई, मार्केट शेयर ड्रॉप हो गया, तो क्या होगा कि मिडिल मैनेजमेंट तो सिर्फ इससे कंसर्न होगी कि नेगेटिव फीडबैक क्यों आई है. वो आपके अंदर ये नहीं झांकेंगे कि ओके जी एक शर्ट का बटन टूटा था तो डेफिनेटली या तो इनपुट्स में प्रॉब्लम है या ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हुई, लोगों ने सही जोड़ा नहीं, लोगों ने धागा कच्चा लगाया, लोगों ने भूल गए लगाना, या बिल्कुल ही नाजुक धागे से लगाया तो टूट गया.
वो इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ यहां से कंट्रोल करेंगे. जो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है उसको कंसर्न होगा कि किसने काम गलत किया या कौन पैकेजिंग में है, जिसने गलत शर्ट पैक कर दी, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. और आउटपुट्स वो लोग जो फाइनल प्रोडक्ट हवाले करते हैं कि कौन आइसक्रीम अगर गलत थी आपने फिर भी पकड़ा दी कि जी यही ले लें, फटी हुई ले लें, तो आपका इमेज तो खराब हो गया ना. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कंट्रोल. हर लेवल पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंट होता है. ये आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट की एक डिस्क्रिप्शन बताएगी. अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं छोटे लेवल से इनपुट्स, और ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर काम करती है. इनपुट्स हैं ये, आपको याद हो कि हमने प्रिलिमिनरी कंट्रोल्स देखे थे, प्रिलिमिनरी, ठीक है. और ये आगे बढ़ता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और इस पर कौन सा कंट्रोल था, कॉन्करेंट कंट्रोल. कॉन्करेंट कंट्रोल, सॉरी फॉर द रेपिटेशन लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट. और इसके बाद आपकी आती है आउटपुट्स, आउटपुट, और इसमें आपका री वर्क का कंट्रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड फाइनल इज द कस्टमर फॉर द आउटपुट. डैमेज कंट्रोल, ठीक है, ये लास्ट आपका सिस्टम्स प्रोसेस में स्टेज है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको मिसाल दी के, और आपको याद होगा फीडबैक सब जगह पे जरूरी थी. लेट मी ड्रॉ द फीडबैक एज वेल. फीडबैक क्यों के जरूरी है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. फीडबैक यहाँ भी लगेगी, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है. ये फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जनाब मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अब मार्केटिंग इज द फंक्शनल डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिस्टम्स प्रोसेस क्या होगा, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का सिस्टम्स प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है. ये हम देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि उनका इनपुट्स में क्या शामिल होता है. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है. आगे चलता है जनाब वो, ये मार्केटिंग का है, बन चुकी हैं प्रोडक्ट्स. अभी हम ऑपरेशंस का भी देखते हैं. सेल्स, प्रेजेंटेशन, सेल्स के लोग उसको कैसे आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है. ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन का काम है. और थर्ड वन के आउटपुट उनका कंप्लीटेड सेल, सेल कंप्लीट हो गई. एंड द फाइनल थिंग इज द कस्टमर तक पहुंच गई. कस्टमर इज द फाइनल आउटपुट को पहुंचाने वाला जरिया. इसके अंदर हम ये बॉक्स डाल दें ताकि हमको समझना आसान हो जाए. दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस. फॉर एग्जांपल दिस इज वन. अब हम इसको, सॉरी मुझको ऑपरेशंस पहले ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का सिस्टम्स प्रोसेस उसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या बनता है, चीज को बनाता है.
मैं आपको इसलिए बाकी फंक्शंस भी बता रही हूँ कि सिर्फ प्रोडक्शन इज नॉट एवरीथिंग. हर फंक्शनल डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम प्रोसेस होता है. जहाँ हमने डिस्कशन ज्यादा की वो हमने ऑपरेशंस के मुतल किया, इसलिए इम्पोर्टेंट है. इनका इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो लीड करते हैं. अब इनकी क्या आएगी? दे मेक द प्रोडक्ट, ये ऑपरेशंस मैनेज की ट्रांसफॉर्मेशन है. थर्ड लेवल पर फिनिश प्रोडक्ट प्रॉब्ली उनकी इज द फाइनल चीज है, और फाइनल कस्टमर उनका कौन है? एक्चुअली चीज बनने के फौरन बाद मार्केट में नहीं चली जाती है, इट गोज टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप हवाले कर देते हैं कि नाउ यू शुड मार्केट इट. सो मुझको पहले ये एक्चुअली डिसाइड करना चाहिए था. मुझे इट शुड बी नॉट नंबर वन, सो दिस शुड बी नंबर वन, दिस शुड बी नंबर टू. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मुझसे गलती से ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ये इधर होना चाहिए. तो ये बात है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक इनका पहुंच के फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से फाइनल प्रोडक्ट से ये साइकिल दोबारा शुरू होता है. ऊपर नीचे प्लीज कर लीजिएगा इसको. अब उसके बाद एक और डिपार्टमेंट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. ठीक है, थ्री इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. ये क्या करते हैं? इनका इनपुट में क्या शामिल है? रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटेड एंड प्रेजेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जनाब आपकी. सिलेक्शन वगैरह आपका काम है, इनपुट्स हैं आपके. इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि आपका फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस का क्या, एक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज अ टाइप, तो आप क्या करेंगे? यू अट्रैक्ट डेवलप, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सारी, अट्रैक्ट डेवलप एंड रिटेन एम्प्लॉइज. याद है ना आपको एचआर का चैप्टर पूरा? आपको पूरी बुक को अच्छे तरीके से याद करना है, तो अगर आपके पूरे एमबी में वो काम आएगी, बाद में भी काम आएगी. ओके, देन इज द न्यू एंड फाइनल में न्यू एंड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय. न्यू इसलिए कि आपने नए लोग भी लिए, और मोर प्रोडक्टिव वो लोग हैं जिनको आपने पुरानों को और नए दोनों को ट्रेन किया, डेवलप किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया. तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आया कि आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे और ट्रेन्ड एम्प्लॉयज अब आपके पास आए, और आपकी फाइनल कस्टमर तक क्या पहुंची? एम्प्लॉयज आर मेजर इनपुट टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में हैं, ऑपरेशंस में हैं, सेल्स में हैं, सबको एचआर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है और हायर करता है, रिटेन करता है, डेवलप करता है. तो वो सब लोग जो एक फाइनल एम्प्लॉय आपके पास आता है, वो हर डिपार्टमेंट की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ये एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम्स प्रोसेस है. तो आपने अब देखा कि किस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सिस्टम्स थ्योरी के हिसाब से चीजें फ्लोट करती हैं. तो ये एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का आपको सिस्टम्स प्रोसेस दिखाया, इसलिए ताकि आपको पता चले कि हर जगह पर कंट्रोल. अब आप फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर देख लीजिए, यहां मार्केटिंग को देख लीजिए. फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आया, ठीक है, आप सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप सेल्स के लोगों को बता रहे हैं. यहां भी आपके कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होंगे, कहां वो सही काम कर रहे हैं, कहां वो गलत काम कर रहे हैं, कहां से आपको दोबारा से रीट्रेन करना है एक सेल्स के बंदे को. आगे फर्दर चलें, कंप्लीट सेल हो गई, सेल्स आपने कंप्लीट कर दी, अब आप कैसे बेचेंगे? हाउ यू टॉकिंग टू द फाइनल कस्टमर, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडियाज. अब आपका सेल्स पर्सन आगे काम कर रहा है,
ये आपका आउटपुट है जो आपने बनाया था, सेल्स का बंदा तैयार किया था, वो आगे मार्केट में जाकर लोगों को बता रहा है, वो आपका फाइनल आउटपुट है, उसकी वजह से मजबूर होकर फाइनल कस्टमर आपकी चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर यहां भी कंप्लीट सेल हुई है या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो इट मींस कि आपके सेल्स पर्सन में कोई इज नॉट ग्लिब, इज नॉट हैज द कैपेसिटी टू मोटिवेट कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, सेलिंग स्किल्स कम है, तो कंप्लीट सेल नहीं हुई। तो दोबारा कंट्रोल अगर मैकेनिज्म सही नहीं है, अनकम्प्लीट सेल है, तो आप दोबारा से इसको रीट्रेन करेंगे, तो यहां से तो कंट्रोल ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू टेक दैट। इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स को आप देख लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देख लें, सेल्स को देख लें, मार्केटिंग, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा जॉब्स होते हैं, एचआर के आप देख लें, आप प्रोडक्शन का देख चुके हैं, इन सब पर हर स्टेज पर एक कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। अब आप आगे देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये अब आप फाइनेंस का देखिए, मैंने उसको तो ड्रॉ किया, ये इनको नहीं मैंने किया, जस्ट टू हैव अनदर आइडिया कि पहला स्टेप देखिए, रेवेन्यूज हैं उनके पास, बोरोड फंड्स एंड ऑनर्स फंड है, उन्होंने यहां से इनपुट्स अपने लिए, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड ओवरसीइंग द बजटिंग प्रोसेसेस। अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन एक दिन में होती है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और बजटिंग प्रोसेस को ओवरसी करना उनका जॉब है, इस पे फाइनल बजटेड फंड्स आप फाइनल एक कैलकुलेशन करते हैं कि इतने फंड्स आए, इतनी इनकम स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लॉस स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर जब आप कंप्लीट करते हैं तो उस हिसाब से फिर आप उसको करते हैं, एंड देन इनपुट्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पेमेंट्स टू दी स्टेक होल्डर्स। अब आप सारे डिपार्टमेंट्स को इनपुट्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स फिर आप सबको भेजते हैं कि आप पेमेंट्स उनको कर दीजिए, आपके पास इतना प्रॉफिट आया, इतना आपने बोनसेस लिए, इतना आपने उसमें मेजर उसको आपने रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से इतना परसेंट इसको जाएगा, उसमें से इतना परसेंट इसको जाएगा, और इसमें से इतना री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो दिस इज दी फाइनल उनका आउटपुट या उनकी कस्टमर ये होती है। सिमिलरली एमआईएस को देख लीजिए, फाइनली डेटा कलेक्शन है फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, उनका इनपुट है, दे ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो लोग, ये उनका आउटपुट है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका वो इनपुट होती है टू ऑल अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज इन ऑल डिपार्टमेंट्स, उनका भी जो इन्फॉर्मेशन का जनरेशन है वो सब एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे सबके लिए जरूरी होती है। दिस इज हाउ द सिस्टम्स प्रोसेस फ्लोट्स विद द अप्रोप्रिएट कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ये फीडबैक प्रोसेस देख लीजिए, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यहां से ऑपरेशंस देखिए, यहां से फाइनेंस देखिए, इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आप और भी इसमें ऐड करें तो सबको एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होना मस्ट होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये फीडबैक प्रोसेस है आपका जो हर फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स में जुड़ा हुआ है, हर चीज दूसरे से इंटर रिलेटेड है, द एरोज रिप्रेजेंट द फ्लो फीडबैक थ्रू आउट द सिस्टम्स प्रोसेसेस, ठीक है। सो हमने इस चैप्टर में अभी जो हमने स्टार्ट किया, हमने कंट्रोल मैकेनिज्म अभी तक सो फार थोड़े बहुत देखे, कंट्रोल टाइप्स देखी है, कॉन्करेंट देखी है, रीवर्क देखी, डैमेज देखी, प्रिलिमिनरी देखी है, फिर हमने इसको फंक्शनल मैकेनिज्म्स पर अप्लाई किया, हमने सिस्टम्स थ्योरी के हिसाब से इसको देखा है, हर डिपार्टमेंट का हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पे हमने सिस्टम्स का कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगा कर देखा है, किस डिपार्टमेंट के लिए किस लेवल पर किस तरह का कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद डिटेल्स पढ़ेंगे, आप इसको पढ़िए, आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इंशाल्लाह, यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।